शाहजहांपुर में फर्जी वोटिंग के विवाद में समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला निगोही थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चकोरा गांव का है, जहां सोमवार को विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव का गांव के ही कुछ लोगों से वोट डलवाने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने जैसे तैसे विवाद को शांत करा दिया था, लेकिन मंगलवार सुबह फिर से दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें गोली लगने से सुधीर यादव की मौत हो गई, जबकि भाजपा समर्थक वीरेंद्र यादव घायल हो गया। अचानक हुई फायरिंग से गांव में अफरातफरी मच गई। वहीं मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। थाना निगोही अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर चकोरा में दो पक्षों के मध्य पुरानी ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष झनकार सिंह यादव और दूसरा पक्ष सर्वेश सिंह यादव, इन दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें सर्वेश ऑलरेडी जेल में है और इनके दोनों के विवाद में कुछ पथराव हुआ। उसके बाद फिर फायरिंग हुई, जिसमें सुधीर सिंह यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और वीरेंद्र सिंह यादव को गोली लगी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसे उपचार हेतु लखनऊ रेफर भी कराया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, स्थिति नियंत्रण में है। मेरे द्वारा और एसपी सिटी और सीएसएफ द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु। दोनों के पक्षों से तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में काफी तनावपूर्ण स्थिति है, जिसको देखते हुए गांव में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर में सपा प्रत्याशी रोशनलाल वर्मा के घर पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सपा प्रत्याशी के घर पर पथराव और फायरिंग की गई, जो घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों मामले की जाँच में जुट गई है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शाहजहांपुर से दीपक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।